अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक प्रॉब्लम। मेरी मशीन जो है एकदम से मोटर जो है उसकी मतलब जोर पकड़ती है, एकदम से जो है फास्ट वो नहीं चल रही है, थोड़ा सा जोर लगाती है। जैसे मैं आपको चला के दिखाती हूँ, देखिए अब मैंने रोका है, मैं इसको दोबारा इस एक्सेलरेटर को दबा रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि एकदम से ये मोटर फास्ट नहीं चल रही, पहले ज़ोर लगाती है और उसके बाद जो है ये जो है चलती है। मैंने यहाँ से इसको खोल के सफाई की है, इसको भी जो है मैंने खोल के इसकी पत्री भी चेक की है अंदर से, इसकी मोटर खोल के इसकी कार्बन भी चेक की है, तो ये मसला जो है हल नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी बेल्ट चेंज करूँ तो शायद ये मसला हल हो जाए। ये देखिए इसकी बेल्ट जो है मुझे थोड़ी सी लूज़ लग रही है, तो अब इसकी बेल्ट चेंज करके देखती हूँ, शायद ये मसला हल हो जाए। बेल्ट चेंज करने के लिए पहले जो है ये पहिया मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। मशीन का ये छोटा पहिया लगा हुआ है, जो हाथ वाली मशीन होती है उसका पहिया थोड़ा बड़ा होता है और जो मोटर वाली मशीन होती है उसका जो है ये थोड़ा छोटा होता है। तो इसको खोलने के लिए ये है कि इसको यहाँ से खोलना पड़ता है। यहाँ पर ये देखें एक पेच लगा हुआ है, इसको खोलते हैं पहले। तो देखें बस ये जो पेज है बराए नाम ही लगा हुआ था, इसका वैसे कोई फंक्शन तो नज़र आ नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं चोट लगाऊंगी तब जाके जो है ये बाहर निकल आएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे ना ऐसे पेचकस यहाँ पे रख के, तो ये देखिए निकल आया है, इसको सफाई भी कर लेंगे। यहाँ पे ये एक ऐसे लगी हुई है वॉशल सी, अभी ये जो पहिया है देखिए आराम से निकल आया है। यहाँ पर जो है बेल्ट मूव करती है इस जगह पर, तो ये इसको मैं चेंज करूँगी और यहाँ पर इसकी सफाई कर लूँगी। और ये जो है ये पुल्ली जो है ये मोटर की है, यहाँ से यहाँ पे चलती है बेल्ट और इसके साथ चलती है। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए जो है ये वाला नट जो है इसको लूज़ करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एडजस्ट करके वापस इस नट को टाइट कर देते हैं। वैसे आप इसको देखें रबड़ इतनी टूटी नहीं है, तो इतनी हालत ख़राब नहीं यूज़ की, लेकिन फिर भी मेरा एक आइडिया है कि शायद चेंज करने से ठीक हो जाए। तो ये देखिए मैंने नई रबड़ लेके आई हूँ, ये मुझे 5 धर्म में मिली है यहाँ से। ये देखिए पहले हम थोड़ा सा मैंने मोटर को लूज़ किया, ये रबड़ जो है मैंने इसमें डाली ऐसे, और इसके बाद मैं इस पहिए को इसमें डाल रही हूँ। पहले इसको मैं यहाँ से टाइट कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको इसके साथ एडजस्ट करूँगी। तो ये दो ऐसे बने हुए होल से, इसको अब इस तरफ से ऐसे करके थोड़ा सा चोट मार के इसको देखिए अभी टाइट हो गया। अब ये मोटर जो मैंने लूज़ करके रखी थी इसकी ऐसे पुल्ली के ऊपर हम इसको थोड़ी सी मोटर को हम ऊपर करेंगे, ये पुल्ली के ऊपर आ गई है। अब इसको यहाँ से मोटर को वापस हम टाइट कर देंगे, ये जो इसका पेच है ये वाला यहाँ पे इसको टाइट करेंगे। देखिए अब इसको मैं प्रेस करके देखती हूँ कि आवाज़ में फ़र्क आया कि नहीं, ये आप देख रहे हैं एकदम से जो मोटर है वो फास्ट हो रही है। तो इस तरीके से जो है मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ, तो लेकिन मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा लगा के ही अपनी मशीन को ठीक कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ की सफाई और कार्बन किस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।